दो बड़ी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने लगा। ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाना बंद करने पर चीन का जवाब। चंगडू में अमरीकी काउंसिल खाना बंद करने का हुक्म। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चंगडू में अमरीकी काउंसिलेट जनरल का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला किया है। काउंसिलेट जनरल को तमाम सरगर्मियां बंद करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। तुर्की की तारीख का अहम तरीन दिन आ पहुंचा। कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत, सल्तनत उस्मानिया के अरूज की निशानी। मस्जिद आया सूफिया में 86 साल बाद पहली नमाज जुमा आज अदा की जाएगी। तुर्क सदर भी नमाज जुमा में शरीक होंगे। फरजंदाने इस्लाम आया सूफिया में नमाज अदा करने को बेकरार। नमाज जुमा से कई घंटे कबल ही लोगों की कसीर तादाद मस्जिद के बाहर पहुंच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम पबजी को फौरी खोलने का हुक्म। पीटीए का पबजी पर पाबंदी का फैसला कलदम करार। जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। पीटीए ने शहरियों की शिकायत के बाद पबजी गेम पर पाबंदी लगाई थी। आम रियासत की जिम्मेदारी है शफाफ तहकीकात करे। संथियारची को मुल्क बदर करने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का वजारत दाखला की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। सेक्रेटरी दाखला को रिपोर्ट पर नजरसानी का हुक्म। ईद उल अजहा की आमद आमद, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों में शहरियों का रश। उधर मंडियों में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सज गए। फैसलाबाद की बेवा खातून रानी बीबी ने खानदान का पेट पालने के लिए मवेशी मंडी में खाने का ढाबा लगा लिया। सियाहती मकामात, रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने के लिए SOPs को खत्मी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है सिफारिशात NCOC के इजलास में पेश की जाएंगी। मरी समेत दीगर सियाहती मकामात को जल्द खोलना चाहते हैं। सियाहती मकामात खुलने से टूरिज्म को फरोग मिलेगा। शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज खानदान में सबसे अमीर निकले। कंपनियों के शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, जरई जमीन, गैर मुल्की बैंक अकाउंट समेत दीगर तफसीलात 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज फैमिली की 16 कंपनियों में 2,56,22,700 शेयर्स के मालिक हैं। चेन्योट पावर में 1,70,86,36,000 के शेयर्स हैं। 209 कैनाल जराई अराजी के भी मालिक। बैरिस्टर फरूख नसीम ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फरूख नसीम से हलफ लिया। फरूख नसीम को तीसरी मरतबा कानून की वजारत सौंपी जाएगी। फरूख नसीम ने जस्टिस फाइज ईसा केस में हुकूमत की वकालत के लिए वजारत से इस्तीफा दिया था। इससे पहले आर्मी चीफ की तौसी के केस में वकालत के लिए भी कुछ अरसा वजारत से अलग हुए थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली गिरावट के बाद इजाफे का रुझान। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.15 डॉलर इजाफे के साथ 43.46 डॉलर फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की फी बैरल कीमत 0.08 डॉलर इजाफे से 41.15 डॉलर हो गई। आलमी सतह पर सोने की कीमत में भी इजाफा। सोने की फी औंस कीमत 1887.80 डॉलर हो। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन इंग्लैंड। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बरास्ता दुबई, लंदन रवाना। मोहम्मद आमिर डर्बी शहर पहुंचकर क्वारंटीना में रहेंगे। उधर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए इंट्रा स्क्वाड 4 रोजा मैच आज से शुरू होगा। इस वक्त आपको बताएं कि फरोग नसीम की हल्फ बर्दारी की तकरीब शुरू हो गई है और ये मनाजर आप देख सकते हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी ये जारी है। बैरिस्टर फरोग नसीम की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनाकाद किया गया है और इस वक्त तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है। फरोग नसीम की बतौर वफाकी वजीर
तकरीब हल्फ बरदारी के ये मनाजर हैं जिसमें बहुत सारे वज़रा भी शामिल हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम की आज तकरीब हल्फ बरदारी है और सदर ममलिकत ने आज उनसे हल्फ लिया है। मैं सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो नामजद वफाकी वजीर से उनके ओहदे का हल्फ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फरूख नसीम सिद्क़-ए-दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फ़राइज़ और कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रगबत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला ना दूंगा ना इसे जाहिर करूँगा जो बहैसियत वफाकी वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा
बजुज जबकि बहसियत वफाकी वजीर अपने फराइज की कमा हक्का हो अंजाम देने के लिए ऐसा करना जरूरी हो अंजाम देने के लिए ऐसा करना जरूरी हो।